बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी बच्चियों से ज्यादती करने वाले जालिम। खातून या बच्ची से ज्यादती के केस में सबसे बड़ा मसला मुजरम का सराग लगाना होता है। अक्सर ये गिद्ध कहीं अपना निशान नहीं छोड़ते, सिवाय उन सैंपल्स के जिनको बाद में लैब टेस्ट के जरिए सामने लाया जाता है। रेप के केस में मुजरम का डीएनए बहुत अहमियत रखता है। जदीद दुनिया में ऐसी बेशुमार मसालें और वाकयात मौजूद हैं जिनमें लाखों अफराद में से रेपिस्ट को इसके डीएनए की वजह से ढूंढ निकाला गया। अब पाकिस्तान में भी अक्सर ज्यादती के बड़े केसेस में जाए वकुआ या विक्टिम से मुजरम का डीएनए का नमूना हासिल किया जाता है, लेकिन मैच करना एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है। जैनब केस में डीएनए मैच करने के लिए हजारों लोगों के सैंपल्स लिए गए और एक तवील प्रोसेस के बाद इमरान अली तक रसाई हासिल हुई। क्या ऐसा मुमकिन है कि 18 साल की उम्र में जब हर नौजवान का शनाख्ती कार्ड बनाया जाए तो उसका डीएनए टेस्ट भी लाजमी हो और डेटा नादरा के पास महफूज हो जाए। मुल्क के किसी भी हिस्से में रेप का वाकया हो तो इस डीएनए को फौरन नादरा से डिटेक्ट करवाया जाए। चंद मिनटों में मुजरम का नाम, इलाका और रिहाइश तक रसाई हासिल हो जाएगी। तरक्की पजीर मुल्कों में ज्यादती करने वाले इसलिए भी बेखौफ हैं कि उन्हें यकीन है कि किसी को सबूत नहीं मिलेंगे। अगर हर लड़की के शनाख्ती कार्ड के साथ डीएनए भी डेटा का हिस्सा बन गया तो वो किसी पर झपटने से पहले 100 बार सोचेगा। कितनी इज्जतें महफूज हो जाएंगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।